तो मैंने एक चीज़ सोच ली है कि जिस जगह पे मैं अपनी जान दूंगा, जहाँ जहाँ पे इलीगल बिल्डिंग बन रही, जब मैं शुरुआत करूँगा, चाहे वो एक माला हो, चाहे दो माला हो, चाहे तीन माला हो, जितना भी माला होगा उस पे से मैं कूद कर अपनी जान दूंगा, वो बिल्डिंग जहाँ पे मैं अपनी जान दूंगा वो किसके अंतर्गत आती है, किस AMC के अंतर्गत आती है, वो इसका मेरी मौत का जिम्मेदार वो AMC होगा। और कि चाहे वो मुमरा प्रभाग समिति हो, चाहे दीवा प्रभाग समिति हो, इस समिति के अंतर्गत मैं समझता हूँ जितनी TMC बिल्डिंग नहीं है ना, उससे कई 5 गुना अगर मैं बोलूँ ना, तो अवैध तरीके से जो इलीगल बिल्डिंगें बन रही है उसके ख़िलाफ़ मैंने लोअर से लेके हायर तक, चाहे वो प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त हो, चाहे नगर पालिका के कमिश्नर हो, चाहे एडिशनल कमिश्नर हो, चाहे मालमद्दा साबर मालमद्दा विभाग हो, जो भी, हर डिपार्टमेंट को लेटर देने के बाद आज मुझे ये यकीन हो गया है कि नीचे से लेके ऊपर तक सभी अधिकारी इस भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। इसके खिलाफ मैंने आज एक चीज़ ठान ली है कि सब करने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है, तो आपने अब स्कूलों में पढ़ा होगा कि श्री सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा। तो अगर शासन प्रशासन की आंख मेरे लेटर से, मेरे धरने से, मेरे आंदोलन से नहीं खुल रही है, तो सलमान रिज़वी एक फ़ैसला ले लिया है कि मैं अपनी जान देके शासन प्रशासन की आंख खोलूँगा। आप देखेंगे कि इतना बोलने के बाद, इतना करने के बाद, मैं समझता हूँ सिर्फ अधिकारी ही नहीं, इसमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं। तो मैंने एक चीज़ सोच ली है कि जिस जगह पे मैं अपनी जान दूंगा, जहाँ जहाँ पे इलीगल बिल्डिंग बन रही, जब मैं शुरुआत करूँगा, चाहे वो एक माला हो, चाहे दो माला हो, चाहे तीन माला हो, जितना भी माला होगा उस पे से मैं कूद कर अपनी जान दूंगा, वो बिल्डिंग जहाँ पे मैं अपनी जान दूंगा, वो किसके अंतर्गत आती है, किस AMC के अंतर्गत आती है, वो इसका मेरी मौत का ज़िम्मेदार वो AMC होगा। और आने वाले 2 दिन के अंदर सलमान रिज़वी जो बोल रहा है उसका रिज़ल्ट 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, मेरी जान का ज़िम्मेदार इनडायरेक्टली सभी रहेंगे, जो जो इस भ्रष्टाचार में, जो जो इस इलीगल एक्टिविटी में अवैध निर्माणों के साथ हैं, वो सब मेरी जान के ज़िम्मेदार रहेंगे। आने वाले 2 दिन बाद मैं आपको ज़ाहिर करूँगा।